अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम बना रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा जो बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है, दुबई वायरल कुनाफा चॉकलेट। सो हमने कहा जब सब बना रहे हैं तो हम भी ट्राई करते हैं। बहुत ही इजी बट बहुत ही यमी और इजीली बनने वाली रेसिपी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए। सबसे पहले हमें चॉकलेट का मोल्ड चाहिए, इस तरह का। आप कोई भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं, चॉकलेट बार शेप का मोल्ड हो तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप किसी टाइप का भी सिलिकॉन मोल्ड ले सकते हैं। चॉकलेट चाहिए, डार्क चॉकलेट है मेरे पास, व्हाइट चॉकलेट है, आप कोई भी कंपाउंड चॉकलेट ले सकते हैं, सेमी स्वीट चॉकलेट ले सकते हैं, और ये है मेरे पास मिल्क चॉकलेट यानी कि चॉकलेट चिप। तो आप किसी भी तरह का चॉकलेट बार ले सकते हैं, हमें इसको फिर मेल्ट करनी है, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ले लिया वर्मिसली, बेसिकली ये कुनाफा डो से बनती है, बट यूएई में तो हर जगह इजीली अवेलेबल है यहाँ, बट फॉर आप लोगों के लिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैंने वर्मिसली ले ली है। साथ में ले ली है पिस्ता, स्लाइस पिस्ता है, आप पूरे होल पिस्ता भी ले सकते हैं, और साथ में ले लिया है मैंने कंडेंस मिल्क। वर्मिसलीज का मैं आपको एक और दफा बता देती हूँ, बेसिकली कुनाफा टोस्ट से बनेंगे, बट अगर अवेलेबल नहीं है तो हम इजीली वर्मिसली से भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही इससे भी जबरदस्त टेस्ट रहता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लेनी है, तो क्या हमें पहले एक लेयर चॉकलेट की लगानी है और उसको फिर फ्रीज कर लेना है। तो सबसे पहले ये मैंने डार्क चॉकलेट ले लिया है, साथ में मैं इसके मिक्स कर दूंगी मिल्क चॉकलेट। तो आप कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप सिर्फ मिल्क चॉकलेट से बनाना चाहते हैं और अगर आप डार्क चॉकलेट लवर हैं तो आप डार्क चॉकलेट से बना सकते हैं। तो बस इस तरह बॉयलर पर रख के हमें इसको मेल्ट कर लेना है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास माइक्रोवेव भी है, आप माइक्रोवेव में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं, बट जो रिजल्ट इस तरह बॉयलर पर आता है उसकी बात अलग होती है। तो अच्छे से हमें मेल्ट कर लेना है, मेक श्योर पानी का कोई भी ड्रॉप इसमें नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आपकी चॉकलेट सारी स्पॉइल हो जाएगी। लास्ट में मैं इसमें 1 से 2 ड्रॉप ऑयल डाल रही हूँ, जो बहुत अच्छा है इसको ग्लेस देगा और एक शाइन इफेक्ट देगा चॉकलेट को। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और पानी से बॉयलर से हटा देंगे। साथ में मैंने व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करी है, ये मैं माइक्रोवेव में कर रही हूँ, आप चाहें तो इसी तरह बॉयलर पे कर सकते हैं, और जल्दी बनाने के लिए आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो ये देखिए व्हाइट चॉकलेट भी हमारी मेल्ट हो गई है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, व्हाइट चॉकलेट को थोड़ा सा नीचे ड्रिजल कर लेना है अपने सिलिकॉन मोल्ड में, जो एक उस पे जब आप इसको मोल्ड से निकालेंगे तो एक ये अच्छा सा ऊपर कलर देगी व्हाइट चॉकलेट का। साथ में मैंने क्या करना है, 1 से 2 टेबल स्पून ले लिया है व्हाइट चॉकलेट अलग से बाउल में, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी ग्रीन फूड कलर, ऑप्शनल है, नहीं करना चाहते आप ना करें, बट आपने देखा होगा बहुत सारी चॉकलेट्स पे इस तरह का ग्रीन कलर का भी एक इफेक्ट आ रहा होता है, तो जस्ट वो देने के लिए हम इसमें ग्रीन कलर इसमें ऐड करेंगे। इफ यू वांट डू नॉट वांट यू कैन स्किप दिस प्रोसीजर। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ड्रिजल करने के बाद सॉरी अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी जो हमने मेल्टेड चॉकलेट रेडी की हुई है। हमें थिन लेयर बनानी है, बहुत ज्यादा थिक लेयर नहीं करना है, अदरवाइज वो डीमोल्ड भी इजीली नहीं होगी और वो काफी टाइम भी लेगी और फिर वो बार का एक अच्छा शेप भी नहीं आएगा। तो अच्छी से हमें एक थिन लेयर ऑफ चॉकलेट इस पे स्प्रेड करनी है इवनली, और फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इवनली चॉकलेट हर जगह स्प्रेड हो जाए। तो इस तरह बस टैप कर लेंगे और फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज में, नो नीड फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है, 10, 15 या 20 मिनट्स में डिपेंड ऑन योर टेम्परेचर वो सेट हो जाएगी। जब तक चॉकलेट सेट हो रही है पहली लेयर, आ जाते हैं हम कुनाफा के मिक्सचर की तरफ। कुनाफा के मिक्सचर के लिए हमें क्या करना है, पिस्ता ले लिए हैं मैंने, स्लाइस पिस्ता है, आप चाहें तो होल पिस्ता भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको क्रश कर लेंगे, चॉपराइज कर लेंगे, किसी भी मिक्सर में किसी भी मिक्सी जार में आप इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। जब ये अच्छे से क्रश हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ कंडेंस मिल्क, ठीक है। आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम, कोई सी भी क्रीम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और कंडेंस मिल्क भी, दोनों ऑप्शन बेटर रहते हैं, अच्छा रहेगा। और बस इसको थोड़ा सा वापस से मिक्स कर लेंगे ताकि जो जितना भी पिस्ता का जो मिक्सचर है वो उसके साथ कंडेंस मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए बहुत ही ईजिली हमारा पिस्ता का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। हम इसे देख लीजिए, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक इसी तरह रहनी है, बहुत ज्यादा रनी नहीं करनी है, अदरवाइज वो चॉकलेट पे सेट नहीं होगी। तो पिस्ता की जो हमारी क्रीम है वो रेडी हो चुकी है। अब आ जाते हैं इसके लास्ट स्टेप पे, जो है वर्मिसली का।
तो वर्मिसली के लिए हमें क्या करना है, एक पॉट ले लेंगे, उसमें जरा सा ऑयल यानी कि अराउंड 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी बना लूँ। ऑफकोर्स अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट बनाने तो हर चीज को आपने डबल करना है। तो बस ये जो 1/2 कप मैंने वर्मिसली ली है उसको ऐड कर लेंगे ऑयल में, और अच्छे से इसको ब्राउन कलर तक होने का, वैसे ये ब्राउन है बट हमें बहुत ज्यादा उसको इतना नहीं करना कि वो एक जलने वाला जो एक फ्लेवर आता है बर्निंग फ्लेवर, वो नहीं, अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है इतना कि इसका रॉ जो फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। तो अच्छे से इसको 10-15 मिनट्स के लिए इसको भुनाई करनी है हमें, ताकि जो हमारी वर्मिसली वो कच्ची ना रहे और अच्छी सी भुन जाए। बिल्कुल बारीक छोटे छोटे आपने इसके पीसेस कर लेना है, इसको क्रश कर लेना है वर्मिसली को। अब हमने क्या करना है, वर्मिसली का जो मिक्सचर हमारा रेडी है पिस्ता का, साथ में उसको ऐड कर लेना है इसके अंदर। तो ठीक है, ये हमारा बन गया कुनाफा का मिक्सचर। ट्रस्ट मी गाइस, आई टेस्ट इट, और ये बहुत मजे का कुनाफा का मिक्सचर रेडी हुआ था। नाउ द फाइनल स्टेप है, वो क्या करना है वो देखिए, हमारी जो फर्स्ट लेयर है चॉकलेट की, वो अच्छी सी 10 से 15 मिनट के अंदर फ्रिज में रखने के बाद सेट हो गई, और अब हमने उसको ऐड करना है अपना कुनाफा का लेयर लगा लिया। कुनाफा का लेयर लगाने के बाद अब मैंने इसमें दोबारा से लेयरिंग कर ली है अपनी मेल्टेड चॉकलेट की। अभी भी थिन लेयर करेंगे, बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है, अदरवाइज वो अच्छे सा शेप बाहर नहीं आएगा उसका मोल्ड होने के बाद। तो बस इवनली हमने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेनी है, थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि अच्छी सी इवनली चॉकलेट जो है वो पूरे मोल्ड में स्प्रेड हो जाए। एंड अगेन हमने इसको क्या करना है, अपने फ्रिज में रख देना है जब तक कि अच्छी सी चॉकलेट जो है हमारी सेट नहीं हो जाती। हार्डली टेक्स 15 to 20 मिनट्स, तो ये सेट हो जाएगी। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट। तो गाइस ये देखिए, आफ्टर 15 to 20 मिनट्स मैंने इसको निकाला फ्रिज से और अपना डिमोल्ड कर रही हूँ, और देखिए कितना इजीली ये हमारा डिमोल्ड हो रहा है सिलिकॉन मोल्ड की वजह से। तो ये देखिए गाइस, हमारी चॉकलेट बार जो है वो रेडी हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त चॉकलेट कुनाफा चॉकलेट जो है वो हमारा रेडी हो गया है। आपको बिल्कुल भी दुबई आने की जरूरत नहीं है ये चॉकलेट खाने के लिए, आप जहां भी हैं आप वहां उसको आराम से बना के चॉकलेट को एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस ये देखिए, बहुत मजे की हमारी ये चॉकलेट जो है, मैं अभी आपको उसको पीस करके दिखाती हूँ कि वो कितना मजे का हमारा चॉकलेट रेडी हुआ है। साथ में मैंने इसको एक और चॉकलेट जो है वो रेडी कर लिया था, ये मैंने मिल्क चॉकलेट से बनाया था, सिंपल बिल्कुल मिल्क चॉकलेट से बनाया था, डार्क चॉकलेट से नहीं यूज किया था। मैं आपको मैंने सोचा वो भी आपको साथ में शेयर कर दूं। तो इट्स अप टू यू, अगर आप डार्क चॉकलेट से बनाना चाहते हैं और अगर आप मिल्क चॉकलेट से बना सकते हैं, ये दोनों मैंने आपके सामने बना लिया है, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो और चॉकलेट जिस तरह की भी पसंद हो। सो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ पीस करके कि ये कितनी मजे की हमारी लेयरिंग हुई है इसकी कुनाफा चॉकलेट की, और फिर मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो देखिए गाइज, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त इसकी जो फिलिंग आपको दिख रही होगी कुनाफा की, और टेस्ट में तो आप ना ही पूछे कितने मजे की है। वेरी गुड गाइस। तो भाई मेरे बेटे को तो ये चॉकलेट बहुत ही ज्यादा पसंद आई, आई होप आप लोगों को ये चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और आप लोग जरूर इसे ट्राई करिएगा। जब रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, प्लीज शेयर करें, और अगर कमेंट्स में मुझे जरूर बताएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।